नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। यह दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। और यह श्लोक अक्सर लोग जब शरीर छोड़ देते हैं तो अपने जो निमंत्रण पत्र होता है न्यूज़पेपर में वेशना निकालते हैं, तो यह श्लोक अक्सर कोट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अक्सर सामने आ ही जाता है, तभी आता है, बाकी समय नहीं आता है। बाकी समय कोई उठा के पढ़ता ही नहीं। तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, पूरी भगवद गीता का सार है। इसमें भगवान ने आत्मा के विषय में एक फाउंडेशन है। दूसरा अध्याय अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे का अध्याय भी नहीं समझ में आएंगे। तो मूलतः हम सभी जो हैं इस दुनिया में शरीरधारी आत्माएं हैं, राइट? आत्मा है मूलतः, लेकिन विभिन्न प्रकार के शरीर लेकर इस दुनिया में घूम रहे हैं या ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। एक योनि से दूसरे योनि में, एक लोक से दूसरे लोक में, ऐसे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। परंतु जैसे ही जीव को इस आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है, राइट? वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ ना। कौन है इधर, कोई है जानता है? यहाँ से वॉल्यूम है इसका पीछे, देखो। मुझे भी लग रहा थोड़ा कम है, आप लोगों ने बोला सही है, थोड़ा देर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, ठीक है, ज्यादा नहीं करना, बस हरे कृष्ण। हाँ, ज्यादा करेंगे तो ईगो करेगा। ठीक है, ठीक, थोड़ा बैलेंस रखो। ओके, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है। नयनम छंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। आत्मा अमर है, आपने बात सुनी है, राइट? शरीर अमर नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। मरने के बाद जब लोग बहुत शोक में डूब जाते हैं, तो यह श्लोक उनको बल प्रदान करता है। नहीं नहीं, जो शरीर छोड़कर के जो आत्मा हमारे बीच से गई है, वह वास्तव में खत्म नहीं हुआ है। इन श्लोकों को पढ़ करके, भगवद गीता के इस अध्याय को पढ़ करके, जो शोक संतप्त लोग हैं उनको एक जीने का सहारा मिल जाता है, और इसी के आधार पर थोड़ा सांत्वना भी मिलती है उनके मन को। तो आज का श्लोक समझना बहुत जरूरी है। और वैसे आत्मा के ऊपर भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक, 2.11 से लेकर 2.39 तक पूरा आत्मा के विषय में बहुत अच्छे से समझाया है। और यही आत्मा का ज्ञान जीव के मुक्ति के लिए पर्याप्त है। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वह मुक्ति का पात्र नहीं है, ठीक? अब कई बार लोग सोचते हैं ना, मुक्ति बहुत बड़ी चीज है, परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा के बारे में ठीक से जान लेना ही मुक्ति का ज्ञान है। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से आत्मा को न तो किसी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न तो अग्नि द्वारा उसको जलाया जा सकता है, और न तो वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, और न तो जल द्वारा भिगोया जा सकता है। तो एक ही श्लोक में भगवान ने चार बार न न न न चार बार नाट 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 यूज किया है। न एनम, न एनम, न एनम, नाट दिस, नाट दिस, नाट दैट, राइट? न तो अग्नि द्वारा, न वायु द्वारा, न जल द्वारा, न शस्त्र द्वारा। एक बार न बोलने से काम चल जाता है ना। भगवान ने क्यों बार बार न, चार बार नाट बोल रहे हैं? एक बार अगर न बोल देते तो जीव प्रश्न उठाता कि अच्छा ठीक है, उससे नहीं मरता तो इससे मर सकता था, ठीक है, दोबारा बोल देते नहीं। इसलिए भगवान ने सारे जगह न लगा करके सारी संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि जीव कहीं से अटकलबाजी न करने पाए। चेतन महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि भक्तों के जीवन में न धनम, न जन्म, न सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामय, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तय। एक मुक्ति पाने वाले जीव का या भगवान के चरण में प्रेम पाने वाले साधक के मन में विचार कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसके विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में एक श्लोक में बताते हैं कि उसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए, न धनम। फिर कहते हैं न जन्म। बहुत सारे शिष्यों की कामना नहीं करनी चाहिए कि मेरे फॉलोअर बहुत सारे हों, इसकी भी कामना नहीं करनी चाहिए। न सुंदरीम, बहुत सारी सुंदर स्त्रियों की भी कामना नहीं करनी चाहिए। तो एक बार अगर न लगा देते तो धनम, जन्म, सुंदरीम लगाने की जरूरत क्या आती, लेकिन हर जगह न लगाए। अगर एक बार न धनम करते तो बोलते ठीक है धन नहीं चाहिए, लेकिन जन्म और सुंदरी तो चाहिए। तो भगवत शिक्षाएं या भगवत भगवान के जो श्लोक हैं, कहीं से भी जीव को गलत व्याख्या करने का मौका नहीं देते। तो आज के श्लोक में चलिए शुरू करते हैं चर्चा। चार बार भगवान ने निषेध किया है। निषेध समझते हैं, निषेध मतलब मना किया है। शास्त्रों में दो चीज होते हैं, एक होता है विधि। आप आराम से बैठ पाएंगे? एक होता है विधि और दूसरा होता है निषेध। विधि का मतलब होता है जिसके पालन करने से वह चीज पाई जाती है, और निषेध का मतलब होता है जिसको मना किया गया है। इसको अंग्रेजी में, आज की भाषा में, डू और डोंट्स कहते हैं, डूज और डोंट्स।
तो आज के श्लोक में भगवान चार तरीके से निषेध की बात कर रहे हैं कि जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन निषेधात्मक तरीके से कर रहे हैं, निगेटिव तरीके से कर रहे हैं कि जीवात्मा ऐसा है। इसको सबसे पहला निषेध भगवान बता रहे हैं कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इन चारों बातों में एक ही बात मूल बात है कि किसी भी प्रकार से जीवात्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो चारों का बात आप अलग से सुन लीजिए। तो जीवात्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये मूल बात है। और इसका वर्णन चार प्रकार की नकारात्मक बातों के द्वारा भगवान ने स्पष्ट किया है। तो इन चार प्रकार के नकारात्मक बातों को सुन करके एक बात बिल्कुल तय है कि जीवात्मा का आकार अवश्य होता है, जीवात्मा का आकार अवश्य होता है। अब आप सोचें कि हमारे शरीर का आकार है, जीवात्मा का आकार कैसा होता होगा? अगर आकार नहीं होता तो भगवान यह बात क्यों कहते कि जीवात्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता? यदि उसका आकार है तभी तो काटने की बात कही जा रही है, नहीं तो फिर इस बात को कहने कोई अर्थ नहीं था। उसी प्रकार से जीवात्मा को किसी अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है जीवात्मा का एक आकार होता है, क्योंकि कोई आकार वाली वस्तु होगी तभी तो उसको जलाया जा सकता है या काटा जा सकता है। बिना आकार के होगी तो उसको कैसे जलाया जाएगा और कैसे काटा जाएगा, यह भी बात नहीं फिट होती थी। इसी प्रकार से तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को न तो जल के द्वारा भिगोया जा सकता है। इसका अर्थ है कि आत्मा उसका कोई आकार होगा, क्योंकि कोई आकार वाली वस्तु होगी तभी तो उसको भिगोया जा सकता है, नहीं तो इस बात का कहने का कोई अर्थ नहीं था। लास्ट में भगवान कह रहे हैं कि वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। कोई ऐसी वस्तु हो जो वायु के संपर्क में आए और सूख जाए, अदरवाइज फिर अगर उसका कोई आकार नहीं होता तो फिर ऐसी बात क्यों कही जाती कि वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तीन चार प्रकार के निषेधात्मक बातों में से आइए शुरू से एक एक की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात में भगवान कह रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, न एनम छिंदंती शस्त्राणी। शस्त्र जो है एक वचन है और शस्त्राणी जो है ब्रूलन। भगवान कह रहे किसी भी प्रकार के अस्त्र से इसका छिंदन नहीं किया सकता है, छिंदंती नहीं काटा जा सकता है, इसको खंड खंड किया ही नहीं जा सकता। न एनम चार बार लगाया हुआ है। एनम मतलब आत्मा, इस आत्मा का वर्णन पहले भी भगवान कर चुके हैं। तो अब जहां भी आत्मा का नंबर नाम आएगा आत्मा के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा, न एनम न एतम इस तरह से संस्कृत में चलता है। न एनम छिंदंती शस्त्राणी, किसी भी प्रकार के शस्त्र द्वारा इसको काटा नहीं जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई जीवात्मा है और किसी शरीर में है, अगर उसके शरीर को दो टुकड़े कर दिए जाए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवात्मा दो टुकड़े में बट गया? नहीं, एक उदाहरण समझिए इसको। जीवात्मा बटती नहीं है, उसकी चेतना भले थोड़ी देर के लिए बट जाती है। जैसे आपने छिपकली को देखा है घर में, जैसे कटता उसकी पूंछ अलग हो जाती है, उसका शरीर अलग हो जाता है, राइट? धड़ अलग, पूंछ अलग, तो पूंछ भी कुछ देर तक हिलती रहती है। आपको क्या लगता है, आत्मा उधर है या आत्मा आगे वाले हिस्से में है? आत्मा अग्रभाग में है। और आत्मा कहाँ रहती है जी? आत्मा का स्थान हृदय में रहती है। तो हृदय उसका कहाँ है? अगले भाग में है। लेकिन दो भागों में बटने से चेतना थोड़ी देर तक उसमें रहती है, इसलिए थोड़ी देर तक वो उसमें मूवमेंट रहता है, थोड़ी देर तक हिलती डुलती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद उसका शरीर जब दो टुकड़ों में बटता है, थोड़ी देर के बाद वह चेतना भी समाप्त हो जाती है और उस जो कटा हुआ अगला भाग है वहां से भी जीवात्मा उस शरीर को छोड़ करके निकल जाती है, फिर दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, राइट? तो फिर जो जीवात्मा है उसको किसी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता है। पिछले भाग में चेतना थोड़ी देर तक क्यों रहती है, इसको इस उदाहरण से समझिए। जैसे सूरज डूबता है ना, डूबने के बाद भी थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो प्रकाश भी अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा को दो टुकड़ों में बांटने से इसका अर्थ नहीं है कि जीवात्मा बट गई है, बल्कि चेतना जो है विभाजित हो जाती है। आपने उदाहरण देखा कि सूर्य की रोशनी सूर्य के डूबते ही वह समाप्त हो जाती है, और जैसे ही सूर्य प्रकट होते हैं सुबह में, ठीक यही उदाहरण, जब सूर्य को प्रकट होना होता है उसके पहले ही उनका प्रकाश दिखाई देने लगता है, राइट? तो जैसे ही जीवात्मा जहां प्रकट होती है उसका जीवात्मा का लक्षण क्या है? चेतना। वह चेतना पहले ही और थोड़ी देर बाद तक रहती है। तो जीवात्मा का शरीर खंड खंड किया जा सकता है, लेकिन जीवात्मा को खंड खंड नहीं किया सकता है, इससे यह बात स्पष्ट होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम जो जीवात्माएं हैं यह किसी समय भगवान के साथ थे, आज उनसे अलग हो गए हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, और मुक्त होने के बाद भी हम उनके साथ हो जाएंगे लेकिन उनमें मिल नहीं जाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं ना जीव भगवान में मिल गया,
यह बिल्कुल बकवास वाली थ्योरी है, कभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव जो है मेरा अंश है और सनातन अंश है, हमेशा से था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन एक साथ मिलना है, तदाकार होना। जैसे अर्जुन भगवान गीता का उपदेश सुनने के बाद मुक्त तो हो गए, लेकिन भगवान में लीन नहीं हो गए, एकाकार नहीं हो गए, ऐसा संभव नहीं है। कई बार लोग उदाहरण देते हैं कि पानी पानी में मिल जाए तो भी पानी हो जाता है, बिंदु सिंधु में मिल जाए तो सिंधु हो जाता है, वह थ्योरी यहाँ काम नहीं करती है। जैसे कोई चिड़िया, ग्रीन कलर की चिड़िया एक हरे कलर के पेड़ में छिप जाए तो आपको क्या लगता है, कोई चिड़िया भी पेड़ बन गई? चिड़िया का अस्तित्व है और पेड़ का भी अस्तित्व है, राइट? उसी तरह से जीवात्मा चाहे मुक्त अवस्था में हो चाहे बद्ध अवस्था में हो, उसका अपना अस्तित्व हमेशा बना रहता है और उसे किसी भी प्रकार के अग्नि के अस्त्र द्वारा या किसी भी प्रकार के वेपन के द्वारा, अस्त्र के द्वारा, शस्त्र के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, मूल बात यह है। इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ये सारी आत्माएं युद्ध के बाद हमारे सामने युद्ध हो रहा है, इसलिए जितने लोग भी शरीर छोड़ेंगे वो सब मुक्ति के पात्र हो जाएंगे, उनको भगवत कृपा मिलेगी, इसलिए युद्ध करना जरूरी है। तो उस पॉइंट से भगवान यह आत्मा के विषय में समझा रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें आपको भी समझना है कि आत्मा किसी भी दशा में, किसी भी भौतिक परिस्थिति में, किसी भी भौतिक प्रकार के व्यवधान से उसका अस्तित्व नहीं मिट जाता है, यह मूल बात है। पहली पॉइंट इसमें ही नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से इसका नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसको कोई खंड खंड नहीं किया जा सकता, एक पॉइंट आपने समझ लिया। दूसरा है, भगवान कह रहे हैं कि नैनम दहति पावक। हम देखते हैं कि शरीर छूटने के बाद लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, शरीर जल जाता है, राइट? लेकिन आत्मा आत्मा का इससे कुछ नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं कि नैनम दहति पावक, अग्नि इसको जला भी नहीं सकती है, शरीर को जला सकती है लेकिन आत्मा को नहीं जला सकती है। तो इसका उदाहरण देखें, हम देख तो हम अपनी आंखों के सामने देखें कि आत्मा कहीं और चली जाती है, जहां उसका गंतव्य वहां चली जाती है। तो भागवत में एक उदाहरण ऐसा मिलता है, महाराज पृथु, चौथे स्कंद के 23वें अध्याय में आता है इसका वर्णन। महाराज पृथु जंगल में तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उन्होंने अपने शरीर को योग की अग्नि से जला दिया था और उनकी पत्नी भी थी वहीं पास में, महारानी अर्ची नाम आता है भागवतम में। महाराज पृथु और महारानी अर्ची का एक प्रसंग मिलता है। तो महाराज पृथु जंगल में तपस्या करके अपने शरीर को त्यागते हैं तो उनकी पत्नी ही चिता बना करके उनको परिक्रमा करके, जल छिड़क करके, देवताओं का आह्वान करके उनको अग्नि संस्कार कर देती है। और जैसे अग्नि संस्कार कर देती है तो महारानी अर्ची भी भगवान का ध्यान करते हुए अग्नि की लपटों में प्रवेश कर जाती है, स्वयं भी शरीर त्याग देती है। तो इसका अर्थ नहीं है कि महाराज पृथु की आत्मा और महारानी अर्ची की आत्मा दोनों मिल गए, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है और दोनों ही, इसके बाद ऐसा वर्णन आता है कि वैकुंठ स्वर्ग से सारे देवता इस दृश्य को देख रहे थे और फिर ऊपर से वैकुंठ से भगवान का विमान आया और दोनों जो है विमान पर सवार होकर के वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए, भगवान की नित्य सेवा में प्रविष्ट हो गए। तो एक उदाहरण मिलता है महाराज पृथु का और महारानी अर्ची का। तो कोई भी जीवात्मा जिस भी शरीर में है, अगर उसका जलाने पर भी या दाह संस्कार करने पर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता कभी, ऐसा नहीं कि मिला दिया दोनों एक हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें यही है कि नैनम दहति पावक, अग्नि कभी जला नहीं सकता है, एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ऐसा बताया गया है कि जो सूर्य लोग आप देखते हो ना, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, सूर्य एक पूरा ग्रह है और सूर्य पर भी जीव रहते हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पे हमारा आपका शरीर वहां के लिए फिट नहीं है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जलकर भस्म हो जाएगा नजदीक में भी, अभी हम 40 डिग्री नहीं सह पा रहे हैं। तो वहां पर भी जीव रहते हैं और उनके शरीर में अग्नि तत्व तो प्रधान होता है, इसलिए वहां पर वो रहने के लिए फिट है, तो उनका शरीर भी नष्ट नहीं होता है, अग्नि के अंदर भी कीटाणु या जीवाणु पाए जाते हैं। और वेदों में जो जीवात्मा का वर्णन किया गया है, वह कहा गया है कि जीव सर्वगत, जीव कहीं भी रह सकता है, यहाँ तक कि मिट्टी खोदिए तो वहां से भी निकलते हैं जीव, राइट? आसमान में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, अभी आएगा जल वाला उदाहरण। तो आपने एक तो देखा कि किसी शस्त्र के द्वारा इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, दूसरी बात आपने देखा कि अग्नि इसको जला नहीं सकते हैं, बल्कि अपने गुण और कर्म के अनुसार अगला शरीर उसको दे दिया जाएगा, या तो जल में, या तो वैकुंठ में, या स्वर्ग में, कहीं ना कहीं उसको नेक्स्ट बॉडी दे दी जाएगी। तो अग्नि तत्व तो प्रधान होने के कारण सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रह सकते तो अभी नहीं रह सकते, वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो देवता होते हैं इनके शरीर में वायु प्रधान ज्यादा होता है, इसलिए हवा में उड़ सकते हैं,
अगर ये पृथ्वी पर उतरना चाहे तो उतर नहीं पाएंगे। कभी देवता अगर पृथ्वी पर आना चाहते हैं तो पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं, वो बिल्कुल जमीन टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका बॉडी उसके फिट नहीं है उसके लिए। और हम आप उड़ नहीं सकते, उड़ना चाहेंगे तो धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। इसलिए मिट्टी हमारे लिए नेचुरल स्थान है, प्राकृतिक स्थान है, तो हम उड़ नहीं पाएंगे। प्लेन में उड़ते हैं थोड़ी देर में हालत खराब होने लगती है, कब लैंडिंग करेंगे, राइट। तो प्लेन हमारा नेचुरल स्थान नहीं है, हम जमीन पर आकर ही खुश रहते हैं और वो लोग आसमान में ही खुश रहते हैं, तो उनके लिए वैसा शरीर बनाया गया वहां पे। अब तीसरी बात इसमें भगवान कह रहे हैं कि न चैनम क्ले दयन्ते आपो, इसको जल के द्वारा, आप मतलब जल, जल जो है प्राकृतिक तत्व है, भौतिक तत्व है। भगवान कह रहे हैं आत्मा को जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, या इसको गीला नहीं किया जा सकता है। इसको कैसे समझेंगे, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में आपने जल, तो बहुत साधारण बात है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पानी के अंदर आपने देखा है तमाम प्रकार के जल रहते हैं, जलजा नव लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जीव कहाँ रहते हैं, जल में रहते, वे जल में ही पैदा होते हैं, जल में ही बढ़ते हैं और जल में ही मरते भी हैं। तो जल में रहना संभव है, जीवात्मा का जन्म भी संभव है, जीवात्मा के शरीर का विकास भी संभव है, जीवात्मा का शरीर छूट भी जाए यह भी संभव है, ये तो हमारी आंखों के सामने की बात है। लेकिन एक उदाहरण शास्त्र से लेते हैं, संदीपनी मुनि के आश्रम में जब भगवान कृष्ण बलराम शिक्षा लेने गए थे, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समाज को बताने के लिए जरूरत है कि हर किसी जीव को गुरु के आश्रम में जाना चाहिए वैदिक ज्ञान लेने के लिए, तो भगवान है, उनको क्या ज्ञान की जरूरत है। लेकिन कृष्ण बलराम की जब शिक्षा पूरी हो गई, 64 दिन में सारे वेद सब पढ़ लिए, तो संदीपनी मुनि जानते थे कि ये जो कृष्ण बलराम हैं, नंद महाराज और वसुदेव के बेटे हैं, ये हैं तो राजकुमार, हमारे यहाँ जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये परब्रह्म है, ये साक्षात ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इस बात का ज्ञान उनको था, किनको, संदीपनी मुनि को। और पहले नियम था कि जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु दक्षिणा मांगी जाती थी और शिष्य जो है गुरु दक्षिणा देता था। आजकल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पहले तो जमा करा लेते हैं फीस, गुरुदक्षिणा बोल जाओ, पढ़ाते भी नहीं ठीक से, बच्चा पढ़े नहीं पढ़े पहले जमा करो इतना, राइट। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, गुरु जो है अपना सारा ज्ञान शिष्य के हृदय में आरोपित कर देता था, प्रकाशित कर देता था, और शिष्य जो है अपनी योग्य क्षमता के अनुसार गुरुदक्षिणा देता था। शास्त्रों में गुरुदक्षिणा का बड़ा वर्णन है। तो जब गुरुदक्षिणा की बात आई तो संदीपनी मुनि ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया कि क्या मांगे गुरुदक्षिणा में, तो उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण लोग नहीं है। 1 साल पहले की बात है, संदीपनी मुनि का बेटा जो है समुद्र में डूब करके मर गया था, या समुद्र में डूब गया था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि अगर ये भगवान है तो गुरुदक्षिणा में कहो कि हमारे मरे हुए पुत्र को लौटा सकते हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है। संदीपनी मुनि ने कहा कि आप लोग गुरुदक्षिणा में मेरे मरे हुए पुत्र को लौटा दीजिए। तो भगवान कृष्ण जो है पाताल लोक में जा करके, यमलोक में यमराज के यहाँ जा करके शंख बजाया और बोले कि गुरुजी का बेटा लाओ वापस। और यमराज जो है थाली लेकर आए, आरती लेकर आए, बोले कि आपको आने की क्या जरूरत है, बोले हमें आना पड़ा, गुरु के काम से आना पड़ा। तो समुद्र जो है उनके उसी पुत्र को उसी रूप में वापस लौटाया और ला करके गुरुपुत्र और गुरुपत्नी को दिया, तो बड़े प्रसन्न हुए उन लोग। तो इसका यह प्रमाण है कि जीवात्मा जो है जल में उसको भिगोया नहीं जा सकता, किसी प्रकार से उसको गलाया भी नहीं जा सकता, उसको गीला भी नहीं किया सकता है, राइट। ये तो मनुष्यों के समाज का हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कई बार डेड बॉडी वगैरह नदी में डूब जाती है तो लोग गोताखोर ढूंढते हैं ना, तो बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन इसका अर्थ है कि आत्मा तो नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा छोड़ के चली गई हो कहीं पे, राइट। तो जल के अंदर भी जीव का अस्तित्व पॉसिबल है या संभव है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, न शोषयति मारुतः, मारुत का अर्थ होता है हवा, वायु के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता है। इसमें से किसी को घुटन महसूस हो रही है, सफोकेशन लग रहा है, तो विंडो खोल सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और कैपेसिटी कम है, राइट। विंडो ओपन कर दीजिए, अभी मौसम भी ठंडा, लू नहीं चल रही, वैसे भी महात्मा कोई सुखा नहीं पाएगा, राइट, खोल दीजिए। घुटन से अच्छा है कि सांस लेते रहे, एसी चालू रहेगा लेकिन विंडो खोल दीजिए, थोड़ा सा एयर आते रहेगा उससे।
जगह छोटी है इसलिए तो ज्यादा लोग बैठते हैं, तो निश्चित रूप से सफोकेशन होता है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। जल्दी समाप्त करेगा, ज्यादा लंबा प्रवचन नहीं है। न शोषयति मारुतः, जीवात्मा को हवा में सुखाया नहीं जा सकता है। कोई ऐसी वस्तु हो जो हवा में रख दीजिए थोड़ी देर तक, वो सूख जाती है या खत्म हो जाती है, लेकिन जीवात्मा के विषय भगवान ऐसा कर रहे हैं कि इसे सुखाया नहीं जा सकता है। तो आपने देखा है इतिहास में कि कई बार कुछ ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको किस कोई कोई ऋषि श्राप दे देते हैं, तो वो प्रेत योनि में ही रहता है या वायुमय शरीर प्राप्त करता है। तो ऐसा उदाहरण गर्ग संहिता में मिलता है, चाक्षुष मन्वंतर की कथा है। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। एक बार उत्कच लोमस मुनि के आश्रम में जा करके, तो देह दो प्रकार का होता है, स्थूल देह और सूक्ष्म देह। अभी हम लोग जो बैठे हैं स्थूल देह में है, और आत्मा जो है वह सूक्ष्म देह से घिरी होती है, आवृत होती है, उससे उसका आवरण होता है सूक्ष्म देह पर। तो जो उत्कच था, हिरण्याक्ष का पुत्र था, वह लोमस मुनि के आश्रम में जा करके सारे पेड़ों को पकड़ करके चूर कर देता था, पाउडर कर देता था, इतना बलवान था। बड़े बड़े पेड़ थे, उनको पकड़ के दबाता था, सब चूर कर देता था। क्यों? उसको अपने स्थूल शरीर बड़ा अभिमान था। तो लोमस मुनि और अन्य ऋषियों ने मिल करके उसको श्राप दिया कि तुम अपने स्थूल देह से तुरंत वायुमय देह को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि उसको अपने स्थूल देह का बड़ा अभिमान था और बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। तो सारे ऋषियों और मुनियों ने उसको श्राप दिया कि तुम हवा वाला देह प्राप्त करो, देह तो रहेगी लेकिन हवा में ही रहेगी, दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा श्राप दे दिया। तो ऐसा कहते, हे दुर्मते, हे दुर्बुद्धि, स्थूल देह नष्ट हो जाए तुम्हारा और तुमको वायुमय देह प्राप्त हो जाए। तो चाक्षुष मन्वंतर से लेकर के वैवस्वत मन्वंतर तक, ये मन्वंतर थोड़ा टेक्निकल शब्द है, यहाँ पे समझाना भी कठिन है, ये अंतर ब्रह्मांडी व्यवस्था होती है पूरी। तो 12 करोड़ वर्ष तक वह अपने वायुमय देह में रहा। कितने वर्ष तक? 12 करोड़ वर्ष तक, क्योंकि एक शासन काल बीता। फिर ध्यान रखिए, जब भी ऋषि कोई श्राप देता है ना, तो उसके उद्धार का उपाय भी होता है। कब, कितने देर में, कब होगा, कोई भगवान स्वयं आएगा या भगवान का कोई भक्त आएगा, तब उसका उद्धार होगा। तो उसी तरह से हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच, भगवान कृष्ण वैवस्वत मन्वंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण वृंदावन प्रकट हुए, तो भगवान एक पालने में झूल रहे थे। भगवान के पैर से वो लगा सकटासुर का वध, तो अपने अपने दिव्य शरीर में आ गया। तो उसके मुक्ति का विधान ऐसा ही था, तो वह उत्कच ही था, हिरण्याक्ष का पुत्र। तो जब भी किसी भी जीव को अपने इस स्थूल शरीर पर अभिमान होता है, तो वह कोई न कोई जरूर अपराध करता है। ऐसा उदाहरण मिलता है, जैसे कुबेर के पुत्र थे, कौन? मणिग्रीव और नल कुबेर। ये लोगों ने को श्राप हुआ नारद जी का, ये दोनों वृक्ष बन गए थे, राइट? तो कई बार इस दुनिया में हम अपने इस देह के अभिमान के कारण किसी न किसी साधु संत का अपमान कर ही देते हैं, पर वह श्राप देता है साथ साथ वो आशीर्वाद भी देता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि कभी किसी का अहित न हो, किसी का दिल न दुख जाए इस शरीर से, राइट, इस स्थूल शरीर से। नहीं तो अगर किसी का अपमान लग भी जाता है, कई बार लोग बोलते हैं ना इसकी बददुआ लग जाती है, तो इस स्थूल देह का बहुत अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्थायी है, नश्वर है, क्षणिक है, यह रूप हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो ऐसा इतिहास में देखा गया है कि लोगों ने अपने स्थूल शरीर के अभिमान में आकर के कुछ न कुछ अपराध किया है और उनको वायुमय देह या वृक्ष की योनि में जाना पड़ा है, और लाखों करोड़ों साल बाद उनका उद्धार हुआ है। तो कच्छ जो था 12 करोड़ वर्ष तक वायु शरीर में रहा, भगवान कृष्ण के पाद का प्रहार हुआ, तब जाकर अपने असली रूप में आया और फिर उसको दिव्य देह प्राप्त हुआ, फिर वो भगवान की परिक्रमा किया, फिर अपने वैकुंठ वापस गए, राइट? इतना रिस्क है इसमें। तो प्रेत योनि में जो जीवात्माएं चली जाती हैं, अक्सर उनको यही शरीर मिलता है, कौन सा? वायुमय शरीर, वायु से बना हुआ शरीर। शरीर तो रहता है पर दिखता नहीं है। तो वायुमय शरीर जो है वायु में रह सकता है लेकिन जमीन पर नहीं आ सकता है, हमने आपको पहले बताया था, क्योंकि उनमें वायु तत्व प्रधान है, वो जमीन पर आ ही नहीं पाएगा। तो अक्सर जो दुष्कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं, जैसे आत्महत्या है या असमय में मृत्यु है, अनटाइमली डेथ है, ये सब प्रेत योनियों में जाती हैं, और शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है। और उनको उनके कर्म के अनुसार, जैसे किसी को 10 साल की जेल होती है, किसी को 20 साल, किसी को आजीवन कारावास हो जाता है, राइट? तो उनके कर्मों के अनुसार, यमराज के दंड व्यवस्था के अनुसार, उसको उतने साल तक वायु के शरीर में रहना पड़ता है।
और फिर जाकर किसी प्रकार से उनकी मुक्ति होती है। जैसे कथा आती है भागवत के महात्म में, पद्म पुराण में, कि एक ब्राह्मण था, उनका एक बेटा था धुंधुकारी, नाम सुना होगा आपने। धुंधुकारी अपने दुष्कर्म के कारण प्रेत योनि में चला गया था, और उसका भाई जो था गोकर्ण, वो बहुत साधन संपन्न और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण था। उसने एक भागवत कथा का आयोजन किया अपने भाई के उद्धार के लिए। जब भागवत कथा हो रही थी तो उसका भाई जो प्रेत योनि में था धुंधुकारी, वो भी आया और खुले आसमान में कथा हो रही थी, खुले मैदान में, तो जगह ढूंढ रहा है कहाँ बैठूँ कहाँ बैठूँ, क्योंकि जमीन पर बैठ नहीं सकता क्योंकि वायुमय शरीर में है। तो सोच रहा है कहाँ बैठूँ फिर कहाँ बैठूँ, तो जहाँ कथा हो रही थी तो वहाँ पर एक बांस का बांस था, उसमें 7 गांठें लगी हुई थी और नीचे बांस के नीचे जो है छिद्र था, होल था, तो वायुमय शरीर में था तो कहीं भी बैठ सकता है वायु के रूप में। तो उसने बांस के छिद्र से बांस के अंदर प्रवेश किया। तो 7 दिन की कथा होती थी, 1 दिन कथा होती थी तो 1 गांठ अपने आप फट जाती थी। 7 दिन कथा सुना और 7 गांठ फट गई और फिर वह अपने शरीर में वापस आया। फिर भगवान के यहाँ से वैकुंठ से विमान आया और उस पर चढ़ करके कथा सुनकर चल गया। ये भागवत कथा की महिमा बताया गया है। तो भागवत कथा सुनने से किसी भी प्रेत योनि का उद्धार हो सकता है, ये महात्म में लिखा है, राइट। तो जो लोग वहाँ कथा सुन रहे थे वो लोग बोले कि विमान खाली इसके लिए आया, हमारे लिए क्या, हम भी सुन रहे हैं। बोले वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। आप लोग सुनिए, फिर से सुनिए, आप लोग पास बाद में आएगा आपके लिए, राइट। ऐसा लोगों ने उठाया है प्रश्न। तो भगवान की कथा सुनने से जीवात्मा किसी भी योनि में होती है, प्रेत योनि वगैरह में, उसका उद्धार हो जाता है। तो वैकुंठ गमन के लिए हमें जरूरी नहीं है कि अन्य शरीर बदलने पड़े, अन्य शरीरों में जाएं। ऑलरेडी एक स्थूल शरीर मिल गया है, हाड़ मास का शरीर है यह मनुष्य शरीर। पिछले श्लोक मैंने बताया था कि यह जो मनुष्य रूपी वस्त्र है यह सबसे फिट वस्त्र है भगवान की भक्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें जो आंखें दी गई हैं इनसे आप भगवान का दर्शन कर सकते हो। इस योनि में, इस शरीर के वस्त्र में जो कान दिए गए हैं इससे आप भगवान का नाम बोल सकते हो और सुन भी सकते हो। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवत धाम जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए मनुष्य का शरीर सबसे उपयुक्त साधन है। भगवान कहते हैं गॉड गिफ्ट है, भगवान का वरदान है। इस वरदान को कई बार लोग कंकड़ पत्थर से भी कम समझ करके इसको, इसका वैल्यू नहीं समझते हैं, इसको काटना मतलब नष्ट करने का तमाम प्रकार के उपाय सोचते हैं, और आजकल ये बहुत चल रहा है। तो कहते ना कि एक मौका मिला था लेकिन उस मौके को भी बहुत दुरुपयोग किया गया इस तरह से। तो मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं इनके द्वारा भगवान की सेवा होनी चाहिए, यही हमारे मुक्ति का साधन है। और ऑलरेडी भागवत में कई सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। राजर्षि भरत की कथा आप सुनिए, तो युवा अवस्था में ही उन्होंने अपना घर परिवार पत्नी राज्य सब त्याग कर भगवान का भजन किया, और भगवान के भजन में भगवान की कथा जो है मुख्य अंग है। 24 घंटे में हमें 1-2 घंटे तो सुनना ही चाहिए। सुनने से ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। श्रवण जो है भक्ति का पहला अंग है। राजा लोग जो होते थे, महाराज अम्बरीश, महाराज युधिष्ठिर, राजा लोग अधिकांश समय राज करते हुए भी भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। थोड़े दिन बाद राजपाट छोड़कर जंगल में चले जाते थे पूरी भक्ति करने के लिए। पर आज के लिए जो छोटे छोटे राजा है बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम। पता नहीं कितने बड़े राजा हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है। 16 माला जप कर लेते सोचते बहुत कर दिया, तो 2 घंटे तो बहुत दे दिया, राइट। जबकि भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करो पूरी तरह से। भगवत गीता ठीक से पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में हम भक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत शुरुआत में भी नहीं है, बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है। तो इस तरह से हमें अगर कई जन्म लग जाए भगवान की भक्ति पाने में तो निराश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लाखों करोड़ों जन्म ऐसे बिता चुके हैं। अगर 2-4 जन्म और बिताना पड़े भगवान के लिए तो कोई निराश होने वाली बात नहीं, राइट। स्टार्ट किया है तो इसको थोड़ा सा पुश देते रहो, इसको थोड़ा धक्का देते रहो, क्योंकि भक्ति किए बिना अपने हम मूल स्वरूप में आ नहीं पाएंगे। मुक्तिर हित्वा नथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने स्वरूप में आना ही असली मुक्ति है। अभी हम अपने स्वरूप में नहीं है। जीव का असली स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? वो भगवान का नित्य दास है। लेकिन भगवान की दासता, भगवान की सेवा छोड़ करके अब वो माया की सेवा में लगा हुआ है, और ऊपर से एक उम्मीद लगा के बैठा है कि आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो वहाँ, इस तरीके से नहीं उस तरीके से हम सुखी हो जाएंगे।
वह विफल हो जाएगा, उसका प्रयास व्यर्थ जाएगा उसका। इसलिए शास्त्र चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं, इस माया के व्यामोह में मत पड़ो। माया तुमको बहुत कुछ दिखाएगी, कैसा करो वैसा करो, दिखाती कुछ और है। और माया का दो काम है ना, क्या? नकली को दिखाना और असली को छिपाना, यही माया का कार्य, राइट? इसको कैसे समझे हम, कैसे समझेंगे? आप कभी सिनेमा हॉल में गए हो? सिनेमा हॉल में जाते ही पहले क्या होता है, लाइट बंद कर दी जाती है, राइट? और हमारे सामने पर्दे पे एक पिक्चर चलता है, राइट? पर्दे पे पिक्चर चलता है तो जैसे ही उसमें हीरो हीरोइन को कुछ होता है तो हमको भी कुछ होने लगता है, होता है ना? इतना डूब जाते हो उसको देखने में कि आपके अंदर भी वही फीलिंग आना चालू हो जाती है, जबकि हो रहा है सब पर्दे पर, उसमें कुछ फैक्ट नहीं है। तो जैसे ही लाइट ऑफ होती है, पर्दा पे फिल्म चालू होती है और आपके अंदर वही सब भावनाएं, हंसी, खुशी, क्रोध, गुस्सा, नाराजगी, ये सब चीजें आपके अंदर भी धीरे धीरे मूवमेंट करने लगती हैं। तो जैसे इंटरवल होता है तो आपको दिखता है कि बगल में भी है, बगल में भी है, राइट? तब याद आता है, सब याद आता है, राइट? तब उधर गायब हो जाता है। उसी तरह से जब हम आप इस दुनिया में आए थे तो अकेले ही आए थे, और जब हम दुनिया के पर्दे पर हमारा एक पिक्चर चलाया जाता है दुनिया का, परिवार का, तो हम इस पर्दे पर, दुनिया के पर्दे में हम इतना घुस जाते हैं उसमें, उसका दुख हमारा दुख, उसका सुख हमारा सुख, हम ऐसा रिलेट करने लगते हैं। लेकिन जब वो इंटरवल होता है, थोड़ा लाइट जलती है, ज्ञान होता है, तब पता चलता है नहीं, ये सब तो माया थी, राइट? हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे, राइट? तो दुनिया के पर्दे पर जो पिक्चर चल रही है उसमें आप अपने आप को बहुत शामिल मत करो, राइट? नहीं तो फिर पिक्चर तो रियल नहीं होती ना, वो तो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ नहीं। तो असली जीवन में, असली स्वरूप में आने के लिए हमें वास्तविक ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान के अभाव में ही तो हम बह जाते हैं। तो आप देखा फिल्म को देखते हो, कितने लोग नकल करते हैं, दसवीं मंजिल से कूदना है, नौवीं मंजिल से कूदना है, कूदते हैं ऐसा, राइट? उसको लेकर भाग जाना, उसको लेकर भाग जाना, ये सब भागने वाला काम कहाँ से सीखा है? फिल्मों से तो सीखा है ना, जबकि वो रियल नहीं है। लेकिन असर कहाँ डाल रही है? असली लाइफ में। एक बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल गेन बट रियल पेन। गेन जो होता है आर्टिफिशियल है, लेकिन पेन जो है वो रियल है। तो माया के व्यामोह से मुक्त होने के लिए भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए वह टॉर्च का काम करता है, लाइट का काम करता है। ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय का जो अंधकार है वो मिटता है। इसलिए रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए हमको, और दुनिया के व्यामोह से आप उतने बच जाएंगे। जैसे सुबह उठकर आप स्नान करते हैं, नहाते हैं तो फ्रेश होते हैं, राइट? उसी प्रकार से जब गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतनी व्यवस्था किया है कि रोज भगवत गीता का पाठ मंदिरों में होता है, सुबह भी होता है, शाम को तो हफ्ते में एक ही दिन होता है, सुबह रोज होता है। और इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर हम मुक्त नहीं हो पाए तो फिर हमारा दुर्भाग्य है, राइट? बाकी सब पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने इतनी सुलभ बना दिया इसको। सब है सुलभ, सब दिन सब देश, सादर सेवत सादर समन कलेश। ये सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, और ये साधु ये शास्त्र सबको सुलभ है। जो इसको सादर के साथ, सम्मान के साथ इसका सेवन करता है, उसके क्लेश मिट जाते हैं, उसका कष्ट मिट जाता है। तो छोटा छोटा कष्ट तो लगा ही रहेगा, लेकिन अल्टीमेट जो कष्ट है, बार बार शरीर का बदलना, अब पता नहीं कि कौन सा शरीर मिलेगा। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था कि बेस्ट शरीर उसको मिलता है जो भगवान की भक्ति करता है, वैकुंठ जाता है ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन गुण वृत्ति, अधो गच्छन्ति तामसा। ये जो तमोगुणी लोग होते हैं ये नीचे ही जाते हैं, और आज की तारीख में तमोगुणियों की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, राइट? जहाँ देखो सारे तमोगुणी भरे पड़े हैं। लेट उठना, नशा करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, तमाम प्रकार की बुरी आदतों में लिप्त पाए जाना, ये सब तमोगुणियों से पूरा संसार ही भरा पड़ा है। खाली सतोगुणी थोड़े से लोग हैं, बहुत गिनती के लोग हैं। उनके बीच में आप रहोगे तो निश्चित रूप से प्रमोशन हो जाएगा, अच्छा शरीर मिलेगा। अगर हम में से किसी को ऑफर मिले कि ये वाला घर छोड़ दो, इससे बढ़िया घर तुमको मिलेगा, 2 BHK छोड़ दो, 3 BHK नहीं बंगला मिलेगा, नहीं फार्म हाउस मिलेगा, तो आदमी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बढ़िया ही सोचेगा ना, बड़ा घर में ही जाने की सोचेगा। तो सोचो आज आपके पास ऐसा मौका है कि बेस्ट ऑफर मिला है, इससे बढ़िया शरीर कौन सा चाहिए? स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ भी थोड़ा दिन रहोगे, लेकिन फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जो पुण्य खत्म हो जाता है, फिर वापस इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा।
तो स्वर्ग जाने के लिए प्लान बनाना ये कोई बहुत इंटेलिजेंट वाला काम नहीं है। भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में आओ, अपने परमानेंट तुम्हारा जो जगह है वहां पर रहो, मेरे साथ में रहो। और बैकुंठ जो है बहुत बड़ा है, इस मटेरियल वर्ल्ड से ज्यादा बड़ा है, तो वहां जाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। पूरी भगवद गीता वास्तव में हमको बैकुंठ ले जाने के लिए तैयारी करवाती है, प्रिपरेशन करवाती है। बहुत सिंपल है, भक्तों के साथ में रहकर इसकी तैयारी आसानी से की जा सकती है और हम बहुत आराम से बैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज भटकना तो भटक ही रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में जीव भटक ही रहा है एक योनि से दूसरे योनि में। ये तो महाप्रभु की कृपा है, वैष्णव कृपा है, प्रभुपाद जी कृपा है, आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने सुलभ कराया है, सत्संग सुलभ कराया है। साधु समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, यही दो चीजें दुर्लभ है। सुत दारा और पत्नी तो पापी के भी घर हो, पुत्र पत्नी और लक्ष्मी तो पापियों के भी घर में होती है, राइट। जहाँ मीट मछली अंडा व्यभिचार ये सब होता है वहां भी खूब पैसा होता है, लेकिन वहां साधु समागम नहीं होता, वहां हरि कथा नहीं होती है। तो मनुष्य के जीवन में यही दो दुर्लभ चीजें हैं, एक साधुओं का समागम और हरि कथा, और प्रभुपाद जी कृपा से दोनों ही सुलभ है संसार में। आप में से यहाँ जितने बैठे कोई टिकट नहीं दिया है, एक रुपये का टिकट लिए हो क्या? नहीं लिया है, उल्टे प्रसाद भी मिलेगा कूपन फ्री में, राइट। सोचे इतनी बड़ी सुविधा है, दुर्लभ है, फिर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाते, तो हमें इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो आज के श्लोक में आपने समझा कि आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, किसी अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से इसको भिगोया नहीं जा सकता और किसी हवा से इसको सुखाया नहीं जा सकता है। शाश्वत है, अमर है, भगवान के साथ इसका नित्य संबंध है, परंतु वर्तमान अवस्था में शरीर ऐसी हालत में छूटे कि वह भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? अब आप आरती का समय है, आप लोग आरती में जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।